आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचडी। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। निर्भया के चारों अपराधियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पे लटकाया जाएगा। तिहाड़ जेल को दो जल्लादों की तलाश थी। दो जल्लादों के रूप में पहला जल्लाद लखनऊ और दूसरा जल्लाद मेरठ का था, लेकिन इस बार बाजी मारी मेरठ के पवन ने। आइए हम पवन से बात करते हैं और जानते हैं किस तरह वो चारों अपराधियों को फांसी के तख्ते पे लटकाएगा और क्या तैयारी कर रहे हैं पवन जल्लाद। मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ मैं इसके लिए। किस तरीके से आपने तैयारी करी है, क्या आपको फरमान अभी तक मिला है? मेरे पे तो अभी कोई वैसे कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 22 तारीख का जो पटियाला हाउस ने निकाला है डेथ वारंट जारी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। अब वो तो 22 तारीख में जो भाई डेथ वारंट जारी किया है उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, जो आपको तारीख का पता चल गया, कितने लोगों को फांसी दी जानी? क्या चार लोगों को दी जा रही है? निर्भया के चार लोगों को दी जा रही है। तो अभी तक आपसे जेल प्रशासन ने किसी अभी कोई बात नहीं करी? मैं अगर बात करेंगे मैं तैयारी में अपनी जो तैयार हूँ। कैसे शुरू करेंगे तैयारी? करेंगे जब जैसे कि वो वेट करेंगे चारों का, जैसे भी जो है ट्रायल देखेंगे इसका, रस्ते से चेक करेंगे और तब तक अगर चारों कह करें चारों वाले दो दो करके ले लेंगे। पहले लेटर मुझे कोई नहीं मिला, कोई आदेश नहीं था मेरा, क्योंकि 16 तारीख 16 दिसंबर को जो रद्द हो गई थी। 16 दिसंबर को? जी। तो उसमें आपको तैयार रहने के लिए कहा गया? तैयार रहने के लिए कहा था मुझे। उस लेटर में तैयार रहने के लिए कहा गया था? लेटर नहीं मिला था मुझे इसका, जेल प्रशासन को मिला। केवल मुझे वैसी सूचना मिली थी कि आप तैयार रहिए। आप इस फांसी को देने के बाद अगर आप देते हैं तो परिवार वाले के लिए क्या मैसेज होगा? परिवार के लिए जो मेरे 125 करोड़ वासी है मेरे, जो ऐसे ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, ये ऐसे जो है निर्भया कांड करते हैं, बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, तो उनको तो फांसी होनी चाहिए। और मैं भी एक माता पिता होने के जो नाते से कह रहा हूँ मैं, जो मेरे बहन भाई है, मेरे बुजुर्ग है, उनको भी खुशी होगी और मुझे भी बड़ी खुशी होगी। और जो उस लड़की के माता पिता जिनके साथ रेप हुआ था, चलती बस में रेप हुआ था, निर्भया ना कराता चारों नहीं है, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, उन माता पिता को बड़ा सुकून मिलेगा कि उनको मैं अपने हाथों से लटकाऊँ। अच्छा, आपके अलावा कोई और जल्लाद भी देश में है? जिस है लखनऊ में, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने मना कर दी थी। अच्छा, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इसके बाद में? मैसेज अपने 130 करोड़ मेरे भारत जो मेरे भारतवासियों को मैं देना चाहता हूँ कि ऐसी जो निर्भया कांड को तो फांसी जो है बिल्कुल होनी ही चाहिए, ताकि आगे जाके लोग बागों के कानों के भी इस चीज़ का ही अंजाम गलत अंजाम होता है। पवन जी, आजकल देखा गया है मतलब जो सिपाहियों से फांसी दिलाई जा रही है, इस बारे में क्या कहना? भैया तो जो जेल प्रशासन जाने, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। इस बारे में अगर मुझे ऑर्डर आएगा, मुझे बुलाएगा, तो बिल्कुल जरूर जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। ये बताइए, पहले तो एक आदमी को फांसी होती थी, चार चार लोगों को कैसे फांसी देंगे आप? क्या इसकी ट्रेनिंग कोई की जाए? ये तो मुझे तख्ता चेक करूंगा जाके, मैं रास्ते चेक करूंगा जाके, क्या क्या वजह है कि भाई हैवी है, चारों को एक साथ में।